दोस्तों SBI रिक्वायरमेंट 2023 जारी कर दी गई है, जहां पे देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में RBO के 868 पदों पर भर्ती SBI.co.in पर करें अप्लाई। यहां पे देखिए, अगर हम डिटेल में देखें यहां पे तो देख सकते हैं क्या लिखा गया है। SBI रिक्वायरमेंट 2023, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स RBO के पास नौकरी पाने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। किसी बैंक से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी SBI की बिजनेस कोरस्पॉन्ड फैसिली। अब यहां पे हम आगे देखें तो देखिए लिखा गया, SBI रिक्वायरमेंट 2023, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स RBO के पास नौकरी पाने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। किसी बैंक से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी SBI का बिजनेस कोरस्पॉन्ड फैसिलिटेटर पदों पर भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। SBI भर्ती 2023 के लिए आवेदन बैंकों की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर किए जा सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 मार्च 2023 से शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2023 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे आगे लिखा गया, स्टेट बैंक के इस भर्ती अभियान के तहत संस्थान में कुल 868 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। आगे आवेदन प्रक्रिया, आवेदन योग्यता आदि की प्रमुख शर्तें यहां देख सकते हैं। स्टेट बैंक के रिटायर्ड अधिकारी या अन्य बैंकों के पूर्व अधिकारी जिनकी आयु 60 वर्ष हो गई है, वही इस भर्ती में आवेदन के योग्य हैं। तो आपकी 60 वर्ष से ज़्यादा आयु होनी चाहिए। वहीं VRAS लेने वाले या त्याग पत्र देने वाले या बर्खास्त कर्मचारी इस भर्ती में आवेदन करने के योग्य नहीं है। लेकिन जिस अभ्यर्थियों ने 58 वर्ष की आयु या 30 वर्ष की सेवा या पेंशन योग्य सेवा पूरी कर ली, वे इस भर्ती में आवेदन के योग्य माने जाएंगे। अब चयन प्रक्रिया कैसे करना है, योग्य अभ्यर्थी के चयन को चयन जो है शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू से किया जाएगा। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। बैंक की ओर से न्यूनतम पासिंग मार्क्स तय किए जाएंगे। अधिकारी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी SBI की अधिकारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पोस्टिंग लोकेशन हम देखें तो कहाँ कहाँ है, स्टेट बैंक की इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नई दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और नॉर्थ ईस्ट समेत देश भर के विभिन्न इलाकों में होगी। तो ऐसी कुछ अपडेट निकल कर रही थी यहाँ पे SBI से रिगार्डिंग।